पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। सो यहाँ में टू वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, देन नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। सो स्ट्रक्चर मीन्स फ्रेम और शेप। देन नेक्स्ट कम्युनिटी मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल। सो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी मीन्स एज ए होल इट इज ए कम्पोजिशन ऑफ ए कम्युनिटी। सो कम्पोजिशन मीन्स एक कम्युनिटी में क्या क्या होता है। फर्स्ट पहले तो वहां में लिविंग थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है। देन नेक्स्ट वहां में मेनली कॉमनली क्या क्या होता है, फर्स्ट वन इज नॉर्म्स, देन रिलीजन, वैल्यूज, कस्टम एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटी। फर्स्ट नॉर्म्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, देन रिलीजन मीन्स जैसे कि हिंदुज्म, क्रिश्चियन, देन इस्लाम, देन वैल्यूज मीन्स इम्पोर्टेंस, एक एक कम्युनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। देन कस्टम मीन्स कास्ट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ST, OBC, MOBC हो सकता है। देन लास्ट वन इज आइडेंटिटी। सो एक कम्युनिटी ग्रुप का एक आइडेंटिटी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन जयरामपुर मेनली वहाँ में टांगसा कम्युनिटी के बारे में हम लोग सुनता है। तो टांगसा कम्युनिटी का मेनली क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। देन उन लोग का मेनली रिलीजन क्रिश्चियंस है। सो ऐसे ही एक कम्युनिटी में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, रिलीजन सेम्स होता है, वैल्यूज होता है, कस्टम होता है, देन आइडेंटिटी होता है। और सबसे कॉमन थिंग एक कम्युनिटी में क्या होता है, वी फीलिंग होता है और प्लस वहाँ में सेम एग्रीकल्चरल मेथड होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कम्युनिटी। सो टाइप ऑफ कम्युनिटी में मेनली डिवाइड किया जाता है टू पार्ट। फर्स्ट वन इज रूरल कम्युनिटी। देन नेक्स्ट टाइप इज अर्बन कम्युनिटी। सो रूरल कम्युनिटी मीन्स जैसे कि विलेज। देन अर्बन कम्युनिटी मीन्स टाउन और सिटी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट विलेज और अर्बन कम्युनिटी के बारे में। सो रूरल कम्युनिटी के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, रूरल कम्युनिटी मीन्स मेनली विलेजेस। सो रूरल कम्युनिटी इज बेसिकली सिचुएटेड इन द आउटसाइड ऑफ द टाउन, जो मीन्स टाउन से बाहर है। और वहाँ में क्या होता है, मेनली होम्स और बिल्डिंग्स आर होम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि घर में बिल्डिंग ज़्यादा नहीं होता है वहाँ में। देन नेक्स्ट वन इज वहाँ में जो पॉपुलेशन है वो कम होता है। जो पॉपुलेशन अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी लो होता है। तो वहाँ में रूरल एरिया में नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उन लोगों का जैसे कि मेन ऑक्यूपेशन यूजुअली कल्टिवेशन होता है या फिर फार्मिंग होता है। एंड नेक्स्ट वन इज वहाँ में क्या होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को पहचानता है, क्योंकि वहाँ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, पॉपुलेशन कम होता है, उसके वजह से एक दूसरे को इजीली पहचानता है। देन वहाँ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक रूरल कम्युनिटी में। जो मैंने पहले ही बोला है, फर्स्ट वन इज ए स्मॉल पॉपुलेशन साइज। सो वहाँ में पॉपुलेशन का जो साइज है कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कम्युनिटी विजिट में गया था तो हम लोग एक एक विलेज में, जैसे कि कबिन विलेज हो या फिर चमरो विलेज हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हाउसेस होता है, 18-20 हाउसेस होता है। तो उसका हिसाब से क्या होता है, उन लोग का जो पॉपुलेशन डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसका हिसाब से एरिया बड़ा होने के वजह से क्या होता है, और पॉपुलेशन कम होने के वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी लो होता है। मीन्स एक घर और दूसरा घर का बीच में गैप ज़्यादा होता है। देन
Third point is a smaller choice when it's come to the shopping, medical services and so on. So, वहाँ में क्या होता है, जो हम लोग choose करने का जो option है, choice करने का option है, वो नहीं होता है. Mainly medical facility के लिए वहाँ में क्या होता है, हम लोग sub-center होता है villages में. Then, shopping के लिए हम लोग जैसे कि township area में available resources होता है, लेकिन village में नहीं होता है. Then, next one is a lower cost of living. क्योंकि विलेज में पॉपुलेशन कम होता है, उन लोग का चॉइसेस भी कम होता है, उसके वजह से जो लिविंग का कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली लोअर हो जाता है. और नेक्स्ट और क्या होता है, क्योंकि वो लोग खुद कल्टीवेट करते हैं, खुद फार्मिंग करते हैं, तो खुद फार्मिंग करने वाला सामान जो उगता है वो खाने के वजह से उन लोग का जो कॉस्ट है रिड्यूस हो जाता है. देन लॉट्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो विलेज एरिया में ग्रीनरी ज़्यादा होता है, वो लोग फार्मिंग के थ्रू अर्निंग करता है या फिर डे टू डे लाइफ स्पेंड करता है, इसके वजह से वहाँ में वो लोग नेचर के साथ ज़्यादा क्लोज होता है, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करता है, जैसे कि वाटर. जैसे कि टाउनशिप एरिया में हम लोग हैंडपम्प या फिर सप्लाई का वाटर यूज़ करता है, लेकिन विलेज या रूरल एरिया में मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू वाटर यूज़ करता है या फिर अलग अलग चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर इज द फंडामेंटल ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल पीपल. जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर मेन उन लोगों का फंडामेंटल ऑक्यूपेशन है. मेनली विलेज एरिया में मैक्सिमम 90% पीपल क्या करते हैं, उन लोग का फार्मिंग करता है डे टू डे लिविंग के लिए. देन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ नेचर, क्योंकि वो लोग एक टाउनशिप का एरिया से बाहर लिव करता है, बाहर रहता है, इसके वजह से वो लोग नेचर के साथ ज़्यादा क्लोज होता है. देन होमोजेनेसिटी ऑफ पॉपुलेशन. होमोजेनेसिटी मीन्स सेम. सो मेनली जैसे कि उन लोग का एकुपेशन सेम होता है, हाउसिंग पैटर्न सेम होता है, रिलीजन सेम होता है, कस्टम सेम होता है, ड्रेसिंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग चेंज होता है सेम होता है. देन फूड हैबिट्स एवरीथिंग इज सेम. होमोजेनेसिटी मीन्स सेम. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम वो लोग बेस करते हैं, जैसे कि अपर क्लास एंड लोअर कास्ट. अपर कास्ट का मेनली अपर कास्ट का जो पीपल होता है वो लोग लोअर कास्ट का पीपल को डोमिनेट करता है, और लोअर कास्ट का जो पीपल होता है वो लोग मेनली लो कास्ट का अपर कास्ट का आदमी लोग मेनली लोअर कास्ट का पीपल होता है उन लोग को डोमिनेट करता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मोबिलिटी. सो सोशल मोबिलिटी इज रिजिड. जैसे कि टाउनशिप एरिया में क्या होता है, सोशल मोबिलिटी रिजिड नहीं होता है, वो लोग ग्रो करते हैं. लेकिन विलेज एरिया में सोशल मोबिलिटी रिजिड होता है, रुक जाता है. जैसे कि ऑक्यूपेशन वो लोग कितना सालों से सेम ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं, कब से वो लोग ऑक्यूपेशन उन लोग का मेनली फार्मिंग है, अभी भी फार्मिंग ही फॉलो कर रहे हैं. और या फिर आप लोग ट्रेडिशन मान लो या फिर आपका फूड हैबिट्स मान लो, वो लोग क्या होता है, रिजिड होता है, सेम वही जनरेशन बाय जनरेशन वही सेम फॉलो करते हैं. लास्ट वन इज जॉइंट फैमिली सिस्टम. मेनली विलेज एरिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी है. नेक्स्ट changes in the village community development. So next point is changes in the village community development. So village community में क्या क्या changes हो रहा है due to development. तो mainly हम लोग का अभी village play an important part in Indian life. So India में mainly अभी भी village बहुत ज़्यादा है. So यहाँ में villages according to the census of 1991, about 75% of population of India are living in villages. और उसमें मेन हम लोग का इंडिया में टोटल विलेज क्या है, 5,75,722 विलेजेस. इसका जो पीछे है नेक्स्ट हम आप लोग बुक में देखिए, बुक से हम लोग पढ़ाएगा.